हेलो गाइस, स्वागत है आपका नया स्वीट किचन में। आपके लेके आए हैं टेस्टी सी चटनी की रेसिपी। अक्सर हमें सब्जी समझ नहीं आती है क्या बनाए, और सब्जी खा कर अगर हम बोर भी हो जाते हैं तो इस तरीके से बनाइए ये चटपटी सी चटनी। मेरे बगीचे में देखिए इस तरीके से लाल मिर्ची लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज लाल मिर्च की चटनी बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहुत ही यम्मी लगती है चटनी। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी चीज़ के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ, और मैंने यहाँ पर लिया है 2 बारीक कटे हुए प्याज, इस तरीके से चॉप करके ले लिया है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने ले लिया पैन, इसमें डाल देते हैं हम 2 से 3 चम्मच सरसों का ऑयल। इस तरीके से चटनी बनाने से आप आराम से इसको 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और उसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई हमारा ज़्यादा समय लगता है ना कोई ज़्यादा हमारा इसमें सामान लगता है। कुछ ही सामान से, कुछ ही इंग्रेडिएंट से आप हमें बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, और उनको हम गर्म होने देंगे। 1 चम्मच में डाल देते इसमें जीरा, डाल दूँगा साबुत धनिया हाथों से इस तरीके से क्रश करके, अच्छे से हम भुनने देंगे। जीरा और धनिया जैसे भून चुका है, हम इसमें डाल देते हैं अपने प्याज और लहसुन। अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था इनका, निकल अच्छे से सॉफ्ट होने तक, निकल थोड़े सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। सफेद नमक, चलिए हम गिरा रहे हैं काला नमक। 2 मिनट हम इसको लेट लगा रहे हैं, सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। गैस गैस कर देते हैं बंद, हम तो 2 मिनट लेट लगाएंगे, छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। गैस ठंडा होते हैं इसकी, ये हमारी ठंडी हो चुकी है अच्छे से। इसी के जार में डाल देते हैं, अच्छे से पीस लेंगे। ये हम थोड़ा सा खट्टापन के लिए इसमें डाल देते हैं ये 1 चम्मच नींबू का रस, आप चाहे तो इतना मैदा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से पीस लेंगे। चलिए ये देखिए कैसे हमने थोड़ी दरदरी सी इसको पीस कर तैयार किया है, हम देख सकते हैं बिल्कुल हमने फाइन पेस्ट नहीं बनाया है इसका। खुद बनाइए, इंजॉय करें, बहुत ही यम्मी लगती है चटनी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, आप किसी के साथ इंजॉय करें। सब्जी समझ में ना आए तो इस तरीके से बनाकर तैयार करें चटनी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।